नहीं एमीटर दिखानी है। एमीटर दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये हमारा जो स्टैंडर्ड अननोन रेजिस्टेंस है इसको हम शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है सर, ये शॉर्ट कर लिया और यहाँ से हम ये पॉइंट जो है यहाँ पे देंगे और ये चीज़ जो ये ग्राउंड ही रहेगी, ये करंट फिर हम फ्लो कराएंगे इसके अंदर। ये करंट हमने सेट करना है मतलब, ठीक है जी। ये करंट जैसे सेट कर लिया उसके बाद हमने इसका L3 निकालना है। L2 वोल्ट मीटर का केस हो गया, L3 एमीटर के लिए हो गया, तो उस हिसाब से हम ये इसके वो देखेंगे। तो ये हमारा ये बैलेंस आ गया हमारा, यहाँ ये हमारा L3 है 177, ये आ गया हमारा 176। ठीक है, ठीक है जी। फार्मूला उसके बाद क्या करना है, ये हमने बेसिकली जैसे उसमें V1 निकाली थी ना, वोल्टेज निकाली थी, इसमें भी वोल्टेज ही निकालनी है, इसलिए V3 निकालनी है। ये हमारा L1 तो पहले वाला केस है, L3 जो लास्ट में हमने ये लिया है, ठीक है, और V1 जो वोल्टेज है स्टैंड सेल की है, ये वोल्टेज होगी हमारी, तो V3 हमारी निकल जाएगी। तो V3 जो भी आ गई वोल्टेज आ गई, बेसिकली वोल्टेज हमने इस रेजिस्टेंस में से फ्लो कराया हुआ करंट में, वोल्टेज जो दिया हुआ यहाँ अप्लाई किया हुआ है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वोल्टेज ड्रॉप हम निकाल लेंगे, और क्योंकि रेजिस्टेंस हमारी 1 ओम है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम ये कैलिब्रेशन चेक कर सकते हैं इसकी डिफरेंट पॉइंट के ऊपर मतलब।